तो दोस्तों सामने आपका है गोलगड्डा त्रिमुहानी, जो कि यह सीधा रास्ता आपका वाराणसी सिटी होते हुए आपका चला जाएगा वाराणसी जंक्शन के लिए। वाराणसी जंक्शन होते हुए आप सीधे चले जाएंगे, अगर यही रास्ता पकड़कर आप जाएंगे रोहनिया होते हुए NH 90 में जाकर मिल जाएगा, और यही बाएं साइड वाला रोड आपका राजघाट के लिए नहीं जाएगा, आपका मैदागिन के लिए चला जाएगा, दशाश्वमेध घाट के लिए चला जाएगा और मैदागिन के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोलगड्डा से काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 और 1 नंबर का नज़ारा। सर देखिए आपका है गोलगड्डा का आपका बस स्टैंड। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, भाई लोग जो बाहर से आते हैं वो लोग, और चंदौली ज़िला से आते हैं वो लोग भी, कि आखिर वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता कौन सा है। तो इसीलिए मैं यह एक स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से सभी लोग जान सके, यानी जो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं गए हैं, जाने का रास्ता आखिर किस साइड से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम लोग गोलगड्डा पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे ही बढ़ने पर आपका दाहिने साइड में है पीली कोठिया, काफ़ी प्रसिद्ध आपका है हॉस्पिटल जामिया हॉस्पिटल। ये देखिए मेन प्रवेश द्वार है, यह जो एरिया आपका है यह पीली कोठी। आगे बढ़ने पर आपका है थाना आदमपुर बाएं साइड में, ये जो रास्ता ये आपका चला जाएगा जैतपुरा के लिए, यानी कि दाहिने साइड वाला। यह वीडियो इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको कई सारे आपका मंदिर जाने के आपके रास्ता का भी आपको मालूम चलेगा, जिसमें से हो गया आपका महामृत्युंजय मंदिर, काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, आगे ही बढ़ने पर आपका हरतीर्थ चौराहा है, ये देख रहे हैं ये आपका हरतीर्थ चौराहा, जो कि ये जो दाहिने साइड वाला रोड है ये आपका चला जाएगा महामृत्युंजय मंदिर के लिए, यानी दिखाया जाए तो ये चौराहा से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है महामृत्युंजय मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अगर आप वाराणसी कभी भी आइए तो महामृत्युंजय मंदिर भी आप जरूर घूमिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि बस खाली घूमने के लिए आते हैं, जो बाहर से बस खाली काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन उनके अलावा भी बहुत से ऐसे अन्य मंदिर हैं कि वहाँ पर भी जाएंगे तो आपका कहेंगे कि यहाँ बनारस आना, पैसा वसूल हो गया। ये देखिए ये जो एरिया ये है आपका विशेषरगंज गल्ला मार्केट, और आपको बता दें कि यह जो मार्केट देख रहे हैं ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह मार्केट है। अभी भी देख रहे हैं ये ढांचा पूरा नक्शा अभी पूरा पुराने ज़माने का ही आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका सब्जी मार्केट है विशेषरगंज का। यहाँ पर एक रास्ता कटा हुआ जो कि बाएं सरला रोड आपका मछोदरी के लिए चला जाएगा, मछोदरी होते हुए आप काशी रेलवे स्टेशन के लिए चले जाएंगे। देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है महामृत्युंजय मंदिर, जैसा कि मैं बता ही रहा था काल भैरव मंदिर। ये देखिए यहाँ पर एक चौराहा है जो कि दाहिने साइड वाला रोड आपका महामृत्युंजय मंदिर के लिए चला जाएगा, और उसी के ठीक सामने ये देखिए काल भैरव मंदिर का सिंह द्वार है, जो कि सीधे यहाँ से देखा जाए तो मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर आपका है काल भैरव मंदिर। ठीक है, वहाँ के लिए भी चले जाएंगे। साइड आपका है
वाराणसी प्रधान डाकघर। वैसे देखा है कई सारा आपका डाकघर था जो कि वर्तमान समय में बंद हो गया है, कुछ ही डाकघर है जो कि आपका है। ये देख रहे हैं अभी हम लोग एरिया में आ गए हैं मैदागिन, यहाँ मैदागिन का मार्केट है। इस समय तो सुबह का समय है, भीड़ कम है लेकिन। और इस साइड देखिए आपका पहले टाउन हॉल में मैदान टाइप का रहता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए भूमिगत पार्किंग, टाउन हॉल, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन। इस साइड आपका है भारतेंदु हरिश्चंद उद्यान, जो कि इसी उद्यान के ठीक सामने आपका है आपका हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। इस साइड दाहिने साइड ये आपका मैदागिन चौराहा। ठीक दोस्तों, अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए मैदागिन चौराहा से, ध्यान दीजिएगा, मैदागिन चौराहा से आपको बाएं साइड कटना है। वाराणसी जंक्शन जाने के लिए सीधे रास्ता आपका जाएगा। और आपको बता दें कि देखिए मैदागिन चौराहा पर अगर आप ऑटो से या फिर किसी निजी वाहन से अगर उतरते हैं तो यहाँ पर आपको रुकना होगा। और देखा जाए तो यहाँ पर बस खाली ये रिक्शा दिख रहे हैं, ये रिक्शा ही आपका काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा, और कभी कभी तो इसका भी अलाव नहीं रहता है। ठीक दोस्तों, और कोई अन्य वाहन आपको ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखे रहिएगा बात। और इस साइड देखिए है अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज फुलानाला। ठीक है, यानी कि देखा है तो आपको पैदल ही सफ़र करना होगा बाबा विश्वनाथ धाम जाने के लिए, और बहुत से लोग हैं जो कि पैदल जा भी रहे हैं। ये देखिए इस एरिया में अगर आपको होटल खोजना होगा तो देखिए इस साइड आपका है बुलानाला में एक होटल गोपाल भोजनालय। बहुत से लोग बाहर से आते हैं तो थोड़ा परेशान हो जाता है, उनको होटल रेस्टोरेंट चाहिए तो मिल नहीं पाता है समय पे। देख रहे हैं पूरा जितना भी बिल्डिंग है पूरा एक कलर में रंग दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा देखा है तो ऊंचाई टाइप का है, अगर आपको बनारसी साड़ी लेना होगा तो आपको इसी एरिया में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं कौन सा गली है जाएगा जो बनारसी साड़ी आपको लेना होगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए एक रास्ता कटा हुआ है, ये देख रहे हैं ठठेरी बाजार, इसी के अंदर देखें कई सारा आपका दुकान है। और देखिए वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध कचौड़ी गली, नाम आप सुने होंगे, तो इसका रास्ता देखिए जाने के लिए इस साइड से भी है। ये देख रहे हैं ये जो एक कंपनी रास्ता है इस साइड से है, और ये दाहिने साइड वाला जो रास्ता ये आपका चला जाएगा। ये देख रहे हैं ये है दाल मंडी मार्केट, और यही मेन रास्ता है। इसी मेन रास्ते से आपका हमेशा 2 से 4 मिनट के बीच में सब आपका गुजरता रहता है मणिकर्णिका घाट जाने के लिए। तो आगे ही बढ़ने पर आपका है मणिकर्णिका द्वार, मैं उसे भी दिखाऊंगा। ये देखिए बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पर टूटो भी अपना लिया दिए हैं, यानी कि ये अलाउ नहीं है, लेकिन तब पर भी यहाँ पर बहुत से लोग जो कि मानेंगे नहीं। ये देखिए इस साइड देख रहे हैं मणिकर्णिका द्वार, ये समय रोड बनाने का कार्य चल रहा है जिसकी वजह से ये देख रहे हैं इस साइड का रोड पूरा खोदा हुआ है। पहले इस साइड का बंद था, इस साइड का चालू था, अब देखिए इस साइड का चालू हो गया, उस साइड का बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, देख रहे रास्ता इतना सकरा हो गया ना कि इसकी वजह थोड़ा सा जाम लग गया, क्योंकि एक साइड आपका कार्य चल रहा है यानी इसे पूरी तरह से ढाला जा रहा है, ढालने के बाद यहाँ पर पत्थर बिछाया जा रहा है ऊपर। सामने देखिए आपका है गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ मंदिर का। इस साइड देखिए ज्ञानवापी मस्जिद दिख रहा है, और वहाँ पर एक त्रिशूल अभी हाल ही में लगा हुआ है कुछ महीने पहले ही। ठीक है, ये था आपका गेट नंबर 4 बाबा विश्वनाथ धाम का।
और देखिए गेट नंबर एक जाने के लिए देखिए यहाँ से भी एक शॉर्टकट रास्ता बना हुआ है, यानी इस साइड से, ठीक है, इस साइड से भी है, लेकिन मैं आपको लेकर चलूँगा थोड़ा सा घुमा कर। आगे ही बढ़ने पर देखिए चौक का इस साइड आपका है फूल मार्केट, फूल अगर लेना होगा तो इस साइड आइएगा, अपना फूल ले लीजिएगा। ये देखिए मेन प्रवेश द्वार है ट्रांसफार्मर के सामने से, और कुछ इन लोगों की वजह से भी काफ़ी तगड़ा वाला जाम लग जाता है, देख रहे हैं। सुबह का समय है, सुबह के समय थोड़ा सा प्रशासन द्वारा यहाँ पर ढिलाई देखने को मिलता है, क्योंकि सुबह के समय भीड़ भी कम रहता है। देखिए एक यहाँ पर भी गली है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चला जाएगा, ये देखिए ये वाला, यानी जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पर आपको पुलिस प्रशासन की टीम या फिर PSC की टीम बैठी हुई आपको नजर आएगा। देखिए दाहिने साइड में एक रास्ता कटा हुआ है ये वाला, ये देख रहे हैं, ये आपका चला जाएगा नई सड़क मार्केट के लिए। पहले ये KCM हाल हुआ करता था, वर्तमान समय में यह बंद है, बस खाली इसमें कई सारा आपका बैंक का शाखा है। आगे ही बढ़ने पर गोदौलिया काफ़ी प्रसिद्ध एक मंदिर है, काशीराज काली मंदिर, जिसे काशी नरेश ने बनवाया था। ये देखिए देख रहे हैं इसका, देखिए बनावट शैली काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन इस मंदिर में बहुत ही कम लोग जाना पसंद करते होंगे या फिर उन्हें जानकारी ही नहीं होगा, क्योंकि मंदिर का भी ये तो बाहरी हिस्सा था। ये देखिए मारवाड़ी अस्पताल है, और जो बाहरी हिस्सा आप जो देखे वो देखे ही, लेकिन अगर जब अंदर जब जाएंगे ना तो उसका भी मंदिर का बनावट शैली जो है काफ़ी ज़बरदस्त वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपका है गोदौलिया चौराहा जो कि सीधे आपका सोनारपुरा के लिए चला जाएगा, और गेट नंबर एक जाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए देखिए इस साइड से हम लोग चलते हैं। भीड़ देख रहे हैं, जबरा वाला भीड़ है ये। ये देखिए सुबह का समय, अगर सुबह का समय देखेंगे ना तो जितनी भी दुकानें बंद रहता है तो वहाँ का मतलब कि थोड़ा लोग मतलब कि कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, फायदा इसलिए उठा लेते हैं कि देखिए जो सुबह का जो नाश्ता का समय रहता है, देखिए इस साइड आपका इडली बिक रहा है और डोसा भी आपको बिकते हुए नजर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका गोला बिक रहा है, कुल्फी गोला देख रहे, और बहुत से यानी नाश्ता पानी की दुकानें आपका खुला रहता है सुबह में, और जब ये लोग जब दुकानें अपना खोल लेते हैं तब ये लोग को थोड़ा हटना पड़ जाता है, तो इसलिए सुबह है 2-3 घंटा अपना कमा के ये लोग खाली हो जाता है। ये देखिए इस साइड भी आपका इडली बिकते हुए नजर आ रहा होगा, इस साइड गोला, ठीक दोस्तों। और यही जो रास्ता ये सीधे आपका दशाश्वमेध घाट के लिए चला जाएगा, और सामने देखिए आपका है विश्वनाथ द्वार जो कि गेट नंबर एक होते हुए आप काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, बाबा विश्वनाथ धाम का। ये देख रहे हैं भीड़, देखिए काफ़ी तगड़ा वाला भीड़ है, और देखिए इस समय सुबह का समय है तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रसाद आपका देखिए, ये देख रहे हैं आपका बट रहा है खिचड़ी बाबा का, और इसके सामने आपका है बृहस्पति मंदिर। यह जो रास्ता है ये आपका चला जाएगा दशाश्वमेध घाट के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों मैं ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ठीक दोस्तों। ऐसे अगर आप लोग शेयर करते हैं और वीडियो चलता है तो क्या है कि मेरा मनोबल और बढ़ता है, मन करता है कि और मैं वीडियो बनाता रहूँ, दिन भर में 2-4 वीडियो में डालूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।